नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार की तुलना की अंग्रेजी हुकूमत से, कहा अंग्रेजी शासन को गिरा सकते हैं किसान तो आज के तानाशाह को भी उड़ा देंगे तिनके की तरह। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने शाजापुर में किया सोलर ऊर्जा प्लांट का निरीक्षण, कहा मध्य प्रदेश में मिले हैं सबसे ज्यादा सोलर प्लांट बनाने की अनुमति, बनेंगे आत्मनिर्भर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से निजी मेडिकल कॉलेजों को मिली बड़ी राहत, अब 3 राउंड काउंसलिंग के बाद कॉलेज स्तर पर ही भरी जा सकेंगी खाली सीटें। राजधानी भोपाल में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पड़ोस में ही 18 साल के लड़के ने घर में घुसकर की जागती। भोपाल के बेरासिया में रात्रि 11 बजे हुआ भयानक सड़क हादसा, कार के पेड़ से टकराने पर धड़ से अलग हुआ शरीर, मौके पर व्यक्ति की मौत। नई शराब दुकाने का प्रस्ताव रद्द करा चुकी पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर शिवराज सरकार को घेरा, 8 मार्च से शराबबंदी अभियान चलाने का किया ऐलान। कोरोना से हो रही मौत के सरकारी आंकड़ों में हेरफेर का बड़ा खुलासा, भोपाल में स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा एक की भी मौत नहीं, हकीकत में 2 कोरोना संक्रमितों की गई थी जान। नीमच में अवैध डोडा चुरा की तस्करी करने वालों पर हो रही लगातार कार्रवाई, सिटी पुलिस ने 1 क्विंटल 10 किलो अवैध डोडा चुरा किया जब्त, 4 को किया गिरफ्तार। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, जिले में नवीन विकास कार्य के लिए बजट में प्रावधान को लेकर किया आग्रह। ग्वालियर के सुभाष एम्पोरियम के मालिक की एक्टिवा 3 बदमाशों ने लूटी, करीब 2.5 लाख की कीमत रखी हुई थी डिक्की में, जांच में जुटी पुलिस। आज की सुर्खियों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी।